semi final is going to get Selene Vini cricket, quarter final is going to get Selene Vini cricket team will enter the semi final. Green signal, पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये देखिए गेंद हवा में, मिड ऑन के रीजन में, गेंद के नीचे फील्डर, लौटना होगा बल्लेबाज को। बिग विकेट, जिस विकेट के लिए जाल बिछा था, जिस विकेट के लिए पासा डाला था, वो बल्लेबाज ऋषि नाइक की पारी विदाउट स्कोर यानी जीरो पर यहां पर हुई समाप्त। तरह निश्चित रूप से सभी तमाम दर्शकों को यहां पर हम जानकारी देना चाहेंगे कि मैच खेला जा रहा है स्वराज इंटरप्राइजेस 11 इधे भैरवनाथ सांगड़े क्रिकेट टीम विपक्ष वोडाफोन वाहल क्रिकेट टीम के बीच में, यहां पर स्वराज इंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगड़े क्रिकेट टीम के पक्ष के कप्तान के पक्ष में टॉस का सिक्का उछला और पहले बल्लेबाज फील्डिंग करना पसंद किया है और बल्लेबाजी के लिए इस विकेट के ऊपर वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम को आमंत्रित किया। और पहले गेंद के ऊपर क्या कमाल की गेंदबाजी मंगेश पाटिल द्वारा, सबसे नामचीन बल्लेबाज, धुआधार बल्लेबाजी के लिए जो खिलाड़ी जाना जाता है ऋषि की पारी यहाँ पर की समाप्त। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे स्वराज इंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगड़े क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंद बाद हम देख रहे मंगेश पाटिल मोरबे पैवलियन एंड से मारा करने के लिए तैयार और दी विकेट सामना करेंगे बल्लेबाज सुदर्शन संदेश। इस बार गेंद को खेला बिल्कुल शॉट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जाती हुई, एक ही रन मिलेगा इससे, एक रन के मदद से सुदेश अपने पारी का श्री गणेश करते हुए, सुदेश ने अपने पारी का खाता खोला, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, टीम के रन संख्या बन चुके वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम के। एक विकेट खोने के बाद यानी कि एक आउट होने बल्लेबाज है ऋषि नाइक, एक दमदार बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाज को शून्य पर पैवलिंग का रास्ता दिखा, कमाल की गेंदबाजी यहां पर मंगेश द्वारा। सनीश टूपे स्वराज एंटरप्राइजेस के ओनर्स, आइए रायगढ़ के दिग्गज पैकर्स सनीश टूपे बिचुंबे आइए स्टेज पर, आपका स्वागत है। ये देखिए हल्का तो से गेंद को ड्राइव किया, इस बार गेंद जा रही है वडिस मिड ऑन के रीजन में गेंद जाती हुई समीर ने, बिल्कुल एक रन पर संतुष्ट होना पड़ा समीर को और इसी एक रन की मदद से समीर अपने पारी की शुरुआत करते हुए एक रन मिला, इसी एक रन की मदद से वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके एक विकेट के नुकसान पर यहां पर दो। आउट होने बल्लेबाज दृश्य एक बार फिर से मंगेश और दी विकेट, ये देखिए हल्का तो से गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही है फॉलो के रीजन में, यहां पर शानदार बिल्डिंग का प्रदर्शन, बाल बाल बच्चे बल्लेबाज, मेरे हिसाब से यदि निशाना लगता तो करीबी मामला हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की यदि बात करें फील्डिंग अच्छी हुई लेकिन उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट इस विकेट के ऊपर नजर आती हुई एक रन प्राप्त हुआ, इसी एक रन की मदद से बल्लेबाज सुदेश सालुंग के पहुंच रहे दो पर, टीम की रन संख्या वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद तीन। गेंदबाजी के लिए मंगेश और दी विकेट, ये देखिए शानदार गेंदबाजी, लेंथ लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए इस विकेट के ऊपर पूरी तरह से दिशा के ऊपर अपना लक्ष्य पूरी तरह से फोकस किया है, शानदार गेंदबाजी, विकेट टू विकेट मारा कर रहे कमाल की गेंदबाजी मंगेश पाटिल द्वारा। मंगेश ये देखिए रिवर्स स्वीप शॉट अटेंड किया, जैसे गेंद रडार में आई सीधा गेंद को फेंक दिया, गेंद गई सीधा डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर, और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया, अंपायर राम पाटिल मैन फ्रॉम चंद्रन इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है एक विकेट खोने के बाद 9। हमारे साथी स्कोरर यहां पर चंद्रकांत पालकर मैन फ्रॉम केवलिया में जानकारी देते हुए कि निश्चित रूप से स्वराज इंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगड़े क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से आरंभिक गेंदबाज थे मंगेश पाटिल, और मंगेश पाटिल का जो गेंदबाजी का विश्लेषण रहा काफी किफायतधारी गेंदबाजी की, काफी दमदार यहां पर शानदार गेंदबाजी की, यानी कि मंगेश का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा एक ओवर यानी कि 9 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, यहां पर सूर्यकांत गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज सुदेश। नष्ट कर बल्लेबाज समीर का जिक्र करना होगा, धीमी शुरुआत हुई थी 5 गेंदों के ऊपर बिल्कुल यहां पर 9 रन आए थे लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर छक्का दागा समीर नाइक ने और अपना इरादा स्पष्ट किया। हमारे सभी ऑर्गेनाइजर हम देख रहे सन्मानित जनार्दन भगत विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य मोरबे यहां पर नीचे सभी का हम जिक्र करते कमाल के योगदान है ज्ञानेश्वर पालकर होंगे सभी यहां पर बाला उसाडकर मात्रे को हम देख रहे इस बार की
ये देखिए इस बार जी दिशा में खेलना चाहते थे गेंद वो दिशा में नहीं गई, गेंद पूरी तरह से लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर जमा परिसर का इशारा आया, गेंद वाइड गेंद करार हुई, अतिरिक्त रनों में बोनस के रूप में एक रनों का हुआ इजाफा। इस एक रन के मदद से टीम की रन संख्या यहां पर वोडाफोन 11 क्रिकेट टीम वाहल क्रिकेट टीम की एक विकेट के नुकसान पर 10। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज सूर्यकांत इस बार गेंद जा रही है डीपस वेले क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन जब तक गेंद उठा फील करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला एक रन लेने का। इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या कुल मिलाकर बन चुके वोडाफोन वाल 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट के नुकसान पर 11। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने चंद्रकांत रॉकस्टार, यदि बात करें रॉकस्टार प्रवीण, ये दोनों बल्लेबाज ने एक अच्छी रणनीति अपना रही है। बिल्कुल यदि हर गेंद के ऊपर चौके छक्के से रन नहीं आ रही है तो बिल्कुल सिंगल से डबल्स के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित कर रहे, लेकिन वो जानते हैं कि बिल्कुल स्वराज इंटरप्राइजेस भरोनाथ सांगड़े क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है वो बल्लेबाजी, तो कम से कम यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाले क्रिकेट टीम को 40 रनों का लक्ष्य खड़ा करना होगा। ये देखिए ग्लांस किया, नजाकत नजाकत दिखाई, गेंद जा रही है डिफाइनल के रीजन में एक ही रन के लिए, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी कमाल की यहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए एक रन प्राप्त किया। इस एक रन के मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई वोडाफोन वाल 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद 12। आप खेलने के लिए तैयार होंगे बल्लेबाज सुदेश, सुदेश खेलने के लिए तैयार, सूर्यकांत की बिल्कुल गेंदबाजी का सामना करेंगे। ये देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल यहाँ की जो विकेट से दोस्तों गेंदबाजी के लिए मददगार साबित होती जा रही है। इससे पहले मैच खेला गया था सिरवली विपक्ष खानाव क्रिकेट टीम के बीच में, उस मैच में बल्लेबाजों का बिल्कुल बल्लेबाजों की दादागिरी नहीं नजर आई, लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला चला। इस विकेट के ऊपर यदि आप विकेट टू विकेट मारा करेंगे तो बिल्कुल इस विकेट के ऊपर गेंदबाजों को मदद मिल रही है, लेकिन धूप बढ़ती जाएगी, ये विकेट भी बल्लेबाजी के लिए आसान बनती जाएगी। बिल्कुल सूर्यकांत गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार और सामना करेंगे अब आक्रामक बल्लेबाज सुदेश, सूर्यकांत कमाल की गेंदबाजी। और ये देखिए अब इस बार एक बार फिर से फाइनल के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बिल्कुल गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों आंखों में इशारा करते हुए एक रन प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इसी एक रन की मदद से यहां पर वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेशन होता हुआ एक विकेटों के नुकसान पर 13। बिल्कुल यदि निश्चित रूप से यदि बात करें वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम की रन मशीन रायगढ़ के दिग्गज बल्लेबाज ऋषि नायक जैसे बल्लेबाज को शून्य पर लौटना पड़ा, पूरी तरह से दबाव में यह टीम है, लेकिन जब तक मैदान में होनार बल्लेबाज समीर नायक जब तक मैदान में, हालांकि उनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की, तब तक सुरक्षित, लेकिन तारीफ करनी होगी स्वराज इंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगड़े क्रिकेट टीम के गेंदबाजों का, जिक्र करना होगा आजादी नहीं दे रहे खुलकर खेलने की वाहल 11 क्रिकेट टीम को गेंदबाजी के लिए। ये देखिए रिवर्स स्वीप शॉट अटेंड करने की कोशिश, शॉट लेग के रीजन में गेंद जाती हुई एक रन प्राप्त करते हुए एक ही रन मिलेगा, और इसी एक रन की मदद से वोडाफोन वाल 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे धीरे धीरे आगे एग्रेशन होता हुआ एक विकेटों के नुकसान पर 14। आप खेलने के लिए तैयार होंगे बल्लेबाज सुदेश, तारीफ अभी भी रुका हुआ स्कोर है 14। निश्चित रूप से कमाल का मुकाबला, दोनों टीमें जानते हैं कि इस मैच में जीतने वाली क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता के ट्रॉफी के हकदार बनेगी दोस्तों। क्वार्टर फाइनल इज गोइंग टू गेट सेलेक्टेड, विनिंग क्रिकेट टीम विल इंटर द सेमी फाइनल। ये उड़ाया सीधा गेंद को फेंक दिया, गेंद गई दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ यहां पर वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ एक विकेट के नुकसान पर 20। कमाल का स्ट्रोक दागा। इससे पहले जो ओवर खेला गया था हमारे साथी स्कोरर चंद्रकांत पालकर हमें जानकारी देते हुए कि पहले ओवर में भी आखिरी गेंद के ऊपर बिल्कुल छक्का आया, दूसरे ओवर में भी आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आया, दो ओवर की हुई समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद वोडाफोन वाहल 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है एक विकेट के नुकसान पर 20। आउट होने इस ओवर की बात करें तो गेंदबाज थे सूर्यकांत पाटिल, सूर्यकांत पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, एक और 11 रन, कोई सफलता नहीं। ऋषि आज बिल्कुल अपने टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए, शून्य पर आउट हुए, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि हर दिन आपका नहीं होगा, हर दिन आपका नहीं होगा, दिन यदि आपका होगा तो भाग्य आपको साथ देगी।
चिंसवली और वाजे दोनों क्रिकेट टीम के कप्तान शीघ्र टॉस के लिए संपर्क करें। प्रवीण अक्सर कहा जाता है कि नोबडी कैन गारंटी दैट एवरी कमिंग डे इज गुड फॉर अस, ई फॉर गुड लक विद अस, डेफिनेटली दैट इज गुड फॉर अस। एक ऐसा होता है कि क्रिकेट खेल में हम अक्सर देखते हैं, यदि आपका दिन होगा भाग्य आपको साथ देगा, यदि आपका दिन नहीं होगा तो भाग्य आपको साथ नहीं देगा बिल्कुल। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा यहां पर चिंसवली विपक्ष वाजे। बॉट 11 क्रिकेट टीम कैप्टन प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर ए टॉस। टॉस के लिए आप इमीडिएटली संपर्क करें। गेंदबाज आशीष इस बार गेंद जाएगी फाइनल क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है। एक रन और दूसरे के लिए दो ड्राइवर बल्लेबाज जो कि मारा हो सकता है, लेकिन गुड रन मिड ने विकेट, दो रन मुकम्मल हुए। इन दो रन की मदद से टीम की रन संख्या यहां पर वोडाफोन वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट के खोने के बाद 22। यहां पर हम देख रहे सनी शेठ तुपे स्वराज इंटरप्राइजेस के नाम से पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जिनके नाम का बिल्कुल आदर सम्मान किया जाता है, ये विश्व में गांव के भूमि पुत्र और क्रिकेट को भगवान मानने वाले सन्मान्य बालाराम बुआ पाटील चिंचोली यावं अपन स्टेज वर। दिनेश करमेलकर साहबांचं आगमन झालेलं आहे, आपले मनपूर्वक स्वागत। आशीष पाटील और दी विकेट, ये देखिए इस बार बिल्कुल यहां पर डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति, अंपायर का बिल्कुल निश्चित रूप से अंपायर ने बिल्कुल डॉट गेंद करार करते हुए रिवर्स स्वीप शॉट अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल समय काफी कम है, दोनों टीमों को हमने सलाह दी थी हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। प्रकाश भगत स्टेज वर यायचे, आमचे ऑर्गेनाइजर कमिटी मेंबर्स प्रकाश भगत यावा आपण स्टेज वर। आशीष इस बार गेंद हवा में बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र में गेंद, डीप मिड विकेट रीजन में, कमाल की फील्डिंग, दूसरे के लिए दो ड्राइव बल्लेबाज, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दो रन प्राप्त करते हुए इस दो रन की मदद से वोडाफोन वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है एक विकेट के नुकसान पर 24। वोडाफोन वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम के यदि प्रवीण रॉकस्टार प्रवीण यदि बात करें, हमारे साथ प्रवीण गायकर जुड़िए, बिल्कुल नाइट प्रतियोगिता में रात को कॉमेंट्री के बिल्कुल उन्होंने भातान के मैदान के ऊपर आज यहाँ पर योगदान दे रहे। एक तरफ वैभव भोपी, पिंटू म्हात्रे आणि मी महादेव गडगे, आमचे गुण लेखक इथे पाहतो आम्ही चंद्रकांत पालकर। विकेट आशीष का स्वागत, भव्य स्वागत, दमदार स्वागत, अतिथि देव भव, गेंद वाइड इज फाइनल सीमारेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और ये छक्के के साथ वोडाफोन वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे अग्रसर होता हुआ एक विकेटों के नुकसान पर 30। जब पहला विकेटों का पतन होता, फॉलो अप फर्स्ट विकेट, चिंसवली क्रिकेट टीम के कप्तान यहां पर बंटी शेल के मौजूद है, बिल्कुल वाजे क्रिकेट टीम के कप्तान, आप शीघ्र टॉस के लिए संपर्क करें। टीम के रन संख्या 30। गेंदबाजी के लिए आशीष पाटिल और दी विकेट, ये देखिए आशीष का एक बार फिर से जैसे गेंद राडार में आई, एक के बाद एक बिल्कुल बिन बादर बरसात, यहां पर गेंद गई सीधा लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ यहां पर वोडाफोन वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 36 एक विकेट के नुकसान पर। विकेट शून्य पर जरूर गिरा था, शुरुआत मंगेश पाटिल ने अच्छी दिलाई थी, हालांकि सबसे डेंजरस बल्लेबाज ऋषि नाइक को शून्य पर आउट किया था, उसके बाद में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी पहले ओवर में बिल्कुल सांगड़े 11 क्रिकेट टीम। ये देखिए बैकफुट पर जगह बनाकर खेलने की कोशिश, मिड विकेट रीजन में, फील्डर वहां पर तैयार है, एक रन दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, दूसरा रन मुकम्मल करते हुए दो रन प्राप्त करते हुए, और इन दो रन के मदद से यहां पर वोडाफोन वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बनी तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद एक बाद 38। और इसी के साथ अंपायर राम पाटिल मैन फ्रॉम चिंद्रन इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद वोडाफोन वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके एक विकेट के नुकसान पर 38। टीम मीटिंग वेल थोड़ी कमी असणार आहे दोन्ही क्रिकेट संघांसाठी, आणि या षटकाचा जर विचार केला इथे आशीष पाटील
सौराष्ट्र एंटरप्राइजेस भरुणात सांगडे क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून गोलंदाज होते, 18 धावा खर्च केल्या। पहिल्या षटकामध्ये मंगेशने 9, त्याच्यानंतर सूर्यकांतने 11 आणि आथाच्या मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये इथे 18 धावा खर्च केल्या। एकूण 3 षटकांची समाप्ती झाली। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर वडापण वाल 11 क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे 1-38। शेवटचं षटक असणाऱ्या प्रगतीपथावर अंतिम ओव्हर बचे बिलकुल। ही बडी प्रतियोगिता ऑर्गनाइज की गई है गावदेवी ग्राम आई गावदेवी ग्रामस्थ मंडल मोरबे, इनके माध्यम से ये मोरबे ग्रामस्थ मंडल चषक 2022 का परवाम देख रहे दोस्तों। इस प्रतियोगिता का आज का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन के लिए हम बिल्कुल शासकीय यंत्रणा के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि ये मैच बिल्कुल समय की पाबंदी होगी। ये अंतिम दिन के लिए दुर्बल छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज विनय सामना करेंगे बल्लेबाज सुदेश करारा स्ट्रोक मिड विकेट, वहां पर फील्डर तैनात। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, एक रन पर संतुष्ट होना पड़ा है। इसी एक रन के मदद से वडापण वाल 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसन होता हुआ। बिल्कुल एक खराब यहां पर कॉलिंग होगी निश्चित रूप से, फील्डिंग के माध्यम से बात करें। तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रही है, देखिए ये बोनस पॉइंट जहां एक रन प्राप्त करने वाले थे बल्लेबाज, यहां वहां पर मात्र 3 रन पर संतुष्ट होना पड़ा है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के माध्यम से। इन 3 रन की मदद से वडापण वाल 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर 41 यानी कि 41। बिल्कुल पानी घेऊन जायचे आहे इस स्पर्धा आम्ही पाहियो सामना पाहतो इथे आम्ही सौराष्ट्र एंटरप्राइजेस म्हटलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ओपनली लीग मध्ये सुद्धा ज्यांचा संघ पुरस्कृत केला जातो ते बिचुंबे गावचे क्रिकेटला धर्म मानणारे आम्हा सर्वांचे परम मित्र सनीशेट तुपे साहेबांचे इथे आगमन झालेलं आहे। सनीशेट तुपे साहेब आपण यावं, आपलं आम्ही स्वागत करतो। तर लगेचच शत्ररक्षण रचना तर बिल्कुल यहां पर 3 ओवर की तो समाप्ति हो चुकी है, अभी भी निश्चित रूप से चौथे ओवर की पहले गेंद के ऊपर 3 रन प्राप्त किए दोनों बल्लेबाजों ने और इसी 3 रन की मदद से वडापण वाल 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर 41। और पहले ओवर की बात करें, रॉकस्टार यदि पहले ओवर की बात करें, पहले ओवर में बिल पहला विकेट 0 पर गिरा था लेकिन दूसरे विकेट के लिए फॉलो अप फर्स्ट विकेट ऑन विदाउट स्कोर यानी 0 और उसके बाद में दूसरे विकेट के लिए ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में सुदेश और समीर के बीच में शानदार 41 रनों की साझेदारी। क्रिकेट का मुकाबला हमेशा गेंदबाज बल्लेबाजों के बीच में खेला जाता है, क्रिकेट का मुकाबला हमेशा गेंद और बल्ले के बीच में खेला जाता है लेकिन क्रिकेट खेल में बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से साझेदारी सबसे अहम मानी जाती है और गेंदबाज के दृष्टिकोण से गेंदबाज या डॉट गेंद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। दूर वाले छोर से एक बार फिर से गेंदबाजी में यहां पर विनय गातारे होंगे तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज समीर नाइक। एक आक्रामक बल्लेबाज समीर अब तक 3 छक्के दाग चुके विनय, ये देखिए हाई फैक्टर यहां पर निश्चित रूप से अंपायर जोमा पाटिल सर का इशारा आया, नो गेंद प्रीत का तोपा और इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है 1+1। इसी 2 अतिरिक्त रन के मदद से वडापण वाल 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे अग्रसर होती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 43 और ये प्रीत का तोहफा। और प्रीत का तोहफा किस बल्लेबाज को मिला है, जो बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाज के रूप में अभी तक विकेट के ऊपर डटे हुई पारी खेल रही है वो सुदेश नाइक। लेकिन आप गेंदबाजों की कांटे की एग्जाम होगी, बिल्कुल कांटे की परीक्षा होगी गेंदबाजों की, लेकिन गेंदबाजों का भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि वडापण वाल 11 क्रिकेट टीम जिसके लिए जाने जाती है शुरुआत मात्र पहले गेंद के ऊपर 0 पर आउट किया था बल्लेबाज को। ये देखिए सुदेश सालुंग के कमाल की बल्लेबाजी, इस बार गेंद जा रही है डीप मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है, एक ही रन प्राप्त होगा इसी एक रन के मदद से यहां पर वडापण वाल 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 44। कमाल की क्रिकेट, हालांकि दोनों टीमों का रॉकस्टार यदि बात करें दोनों टीमों का अस्तित्व दाव पर लगा है, बिल्कुल दाव पर लगा है क्योंकि दोनों टीमें जानती है कि यह मैच जीतने वाली क्रिकेट टीम ग्रामस्थ आई गावदेवी ग्रामस्थ मंडल मोरबे प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल हकदार बनेगी, एक ट्रॉफी की मात्र हकदार बनेगी, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है सबसे यहां पर दोनों टीमों के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट मुकाबला है। ये देखिए दबाव 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 महसूस करते हुए गेंदबाज दिशा से बढ़ के तो मिलेंगे फटके, दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा शून्य गेंदबाजी, यहां पर विनय द्वारा अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, इस एक रन के मदद से टीम की रन संख्या 45।
12 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने, 27 रन पर खेल रहे हमारे साई प्रीत के, बिल्कुल साई प्रीत लाइव के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदेश के हमें यहां पर जानकारी देते हुए है। ये देखे ग्लांस किया, गेंद हवा में जरूर है लेकिन नो लैंड, बिल्कुल यहां पर कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं है। ये डायरेक्ट निशाना लगता तो करीबी मामला हो सकता था। 2 रन प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज इन, बिल्कुल अंपायर का डिसीजन, अंपायर का डिसीजन अंत डिसीजन माना जाएगा। इथे मात्र पंचांचा निर्णय, अंपायर डिसीजन इज द फाइनल ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। इफ एनी टीम ट्राइज टू प्रेस एज अंपायर द टीम विल बी डिस्क्वालिफाइड ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल अंपायर डिसीजन इज द फाइनल। और धाव मात्र इथे एक रन, अंपायर शॉर्ट रन, बिल्कुल अंपायर जोमा पाटिल सर इशारा करते हुए तीसरे अंपायर के लिए बिल्कुल मांग की गई है। टीवी अंपायर बिल्कुल फोकस करेंगे, टीवी अंपायर हमारे ऑर्गेनाइजर एक आदर्श क्रिकेटर मोरबे आदेश पांडव, बिल्कुल पूरे से हमारे साई प्रीत के यहाँ पर टीवी, हम टीवी कैमरा थे तीसरे अंपायर हम देख रहे मैच रेफरी, बिल्कुल ये फोकस करेंगे पूरी तरह से। और ये शॉट रन, अंपायर डिसीजन, थर्ड अंपायर डिसीजन इज द फाइनल। और या चेंडू पर मात्र एक ही धाव प्राप्त नसेल, फलंदाज मात्र इथे धावचित, एक धाव फलंदाज दुसरे एक धाव इथे प्राप्त असणार आहे। एक आणि खऱ्या अर्थाने इथे फलंदाज बांसला रन आउट, एकूण धाव संख्या झाली। सन्माननीय बलराम बुवा पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे, चिंचवली गावचे आपले स्वागत आहे। तो एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे। अभी भी रुका हुआ स्कोर है और अपन वाल 11 क्रिकेट टीम का 46-46 नए बल्लेबाज। पीयूष, ये देखिए पीयूष पारिंगे को लौटना होगा रन आउट के रूप में। तीसरा विकेट मैदान से बाहर, अभी भी रुका हुआ स्कोर वन अपन वाल 11 क्रिकेट टीम का, 3 विकेटों के नुकसान पर 46। तर नवीन फलंदाज दाखल हो चाहे बगा, तर यहां पर बल्लेबाज पीयूष की पारी हुई यहां पर समाप्त। आप पीयूष आउट होने के बाद रनआउट के रूप में जोखिम उठाया, रनआउट के रूप में आउट होकर पहले में लौट रहे हैं मैदान के अंदर नए बल्लेबाज साहिल पावसे। लेकिन एक तरफ हम देख रहे सुदेश पड़के आरंभिक बल्लेबाज के रूप में विकेट के ऊपर डटे हुए। आप यहां पर सुदेश सालुंगे जो आरंभिक बल्लेबाज है, शेवटचे चेंडू असणार आहेत, 2-2 गो, दोन चेंडू शिल्लक असणार आहेत, अंतिम 2 गेंदे शेष बचे, इनिंग्स की 2 गेंदे बची है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार होंगे विनय गाथाड़े और सामना करेंगे सुदेश सालुंगे। एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सुदेश आरंभिक बल्लेबाज है। समीर ने काफी दमदार बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की, 3 छक्के दागे। गेंदबाज विनय गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए विनय के ऊपर काफी दबाव नजर आता हुआ, वाइड गेंद करार, गेंद काफी ऑफ्टन से बाहर, अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, इस एक रन के मदद से टीम की रन संख्या 47। तरह इथे मात्र पंच नो बॉल इथे घोषित करतात। बघा पुन्हा एकदा इथे फ्रीडचा संधी असणार आहे। इथे एकूण धाव संख्या झाली निश्चित स्वरूपात, यहां पर वडापण 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 47। 3 विकेटों के नुकसान पर 9, यहां पर 9 गेंद कारण हो चुकी है। अब मौका है बल्लेबाज के पास, ये देखिए शानदार गेंद फेंकी, बिल्कुल कमाल की वापसी की गेंदबाज ने। नो गेंद जरूर थी, दबाव थे, बिल्कुल दबाव महसूस कर रहे थे गेंदबाज विनय, लेकिन दबाव को हटाकर विपरीत परिस्थिति में यहां पर गेंदबाजी करते हुए सुनील दादा फड़के ढोंगरा तपाड़ा ग्राम पंचायती माजी ग्राम पंचायत सदस्य पूर्वा एंटरप्राइजेस से ओनर साहित आगमन इतने है।
तर यावा सुनिंदा दा फड़के आपला मनपूर्वक स्वागत। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार होंगे। गेंदबाज विनय सुदेश के लिए, ये देखिए अच्छी गेंद थी, बिल्कुल एक तोहफा था, लो फुल टॉस गेंद थी। इस बार गेंद जा रही है जिस दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद उस दिशा में नहीं गई, गेंद गई सीधा शॉर्ट लेग के रीजन में। दो रन मुकम्मल हुए, इसी के साथ अंपायर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, इनिंग्स की हुई समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद वोडाफोन वाल 11 क्रिकेट टीम के कुल मिलाकर रन संख्या बन चुके 3 विकेटों के नुकसान पर 49 और जीतने के लिए 50 रनों का लक्ष्य होगा। स्वराज इंटरप्राइजेस भरोनाथ क्रिकेट क्लब सांगड़े क्रिकेट टीम के सामने 50 धावांच आव्हान असणार आहे। तर थँक यू। तर फलंदाजांनी ते बघा रिव्ह्यू साठी मागणी केलेली आहे। तिसरे पंच पुन्हा एकदा हाइट फॅक्टर ची खऱ्या अर्थाने पूर्णता इथे परखलं जाईल। तर आमचे पंच आम्ही ते पाहतो, आदेशला पाहतो, आम्ही सँडी पालकर यांना पाहतो। बॅट्समन रिव्ह्यू आहे आणि दोन्ही क्रिकेट संघाला खऱ्या अर्थाने एक एक रिव्ह्यू सुद्धा बहाल करण्यात आलेला आहे। आज मात्र आपण इथे बघायला गेलो मित्रांनो, वेल कमी आहे, कारण आमचे ऑर्गनायझर कमिटीने सुद्धा सूचित केलेला आहे 2:30 ही स्पर्धा थांबवली जाईल, तोपर्यंत डिसिजन जाईल। टॉस करूया। प्रभाकर नावडेकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ असते इथे चिंचवली विरुद्ध वाचे या दोन संघांमध्ये नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। चला वाचे संघाच्या संघांना तिथे बसू नका, आपण या टॉस साठी लगेच इथे। तर बोलूया पुढच्या सत्रासाठी पिंटू मात्रे यांच्याकडे। प्रभाकर नावडेकर साहेबांच्या शुभ असते इथे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। तर डिसिजन इथे आहे, पंच सँडी पालकर देतील। इट्स अ सेफ डिलिव्हरी, षटक संपलं जातील। तर टॉस शुभम जाधव आपण स्टेजवर यायचं आहे। श्रीपद पाटील वाट बघतात आपले। श्रीपद थँक्यू पिंटू थँक्यू। तर इथे अरे बाबा साईड लाव ना तिथून। तर इथे टॉस केलं जाईल, दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया। इट इज हेड्स, नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय वाजे क्रिकेट संघानं। जो डिसिजन असेल तो घेऊन लगेच तुम्ही मैदानात उतरा याची नोंद घ्या। तत्पूर्वी मान्यवरांचा आपण सन्मान करूया। चार षटकांची देखील ही मॅच असेल, तिसरी सुपर एटची लढत। तर इथे मान्यवरांचे शुभ आगमन झालं। क्रिकेट सारखी सातत्याने एक दमदार योगदान देणारे आणि चिंचवली संघाचे टीम मॅनेजर व्यवस्थापक बालराम बुवा पाटील चिंचवली यांचा इथे सन्मान करावा। मी ग्रामपंचायत सदस्य जनार्दन भगत साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ असते इथे खऱ्या अर्थानं बालराम बुवा पाटील चिंचवली यांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं। क्रिकेटसाठी सातत्याने त्यांचं जबरदस्त योगदान राहिलंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत। थँक्यू। जाऊया या मॅचसाठी, पुन्हा एकदा जोडले जातील आमच्या समवेत पिंटू मात्रे। 24 चेंडू आणि विजयासाठी गरज आहे ती 50 धावांची। जाऊया या ठिकाणी पिंटू मात्रे यांच्याकडे। हॅलो नितीन, आज मॅच का आखरी दिन है और मेगा फाइनल सभी दर्शकों को देखने को मिल रही है। खासतौर पर इस टूर्नामेंट के लिए देखने के लिए आए हुए सभी दर्शकों को पिंटू मात्रे का प्यार भरा नमस्कार। और आज जैसे ही शुरुआत हुई थी 24 गेंदों में शायद पहले टीम के कप्तान संगड़े टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और वोडाफोन वाहन ने एक आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने 3 विकेट गंवाकर इस वक्त स्कोर खड़ा किया 49 रन और 50 रनों का टारगेट यहां पर रखते हुए मैदान के अंदर उतरे हैं। जोड़ी मैदान के अंदर जरूर चलेगी, मेहमानों की कोई कमी नहीं है। अंकित जी पांडव अरविंद जिनके माध्यम से दो कूलर विष्णु मात्रे बैठे हैं, एकनाथ जी नाईक, बलराम पाटिल चिंचवली, जनार्दन भगत, ये सभी के सभी, श्रीपद जी पाटिल, गणेश नावडेकर, प्रभाकर महाराज, सभी के सभी मेहमान आज इस मंच के ऊपर। खासतौर से हम दिनकर नावडेकर की तारीफ करेंगे, ज्ञानेश्वर पालकर की तारीफ करेंगे, संजय पाटिल की तारीफ करेंगे और आज खास तौर से हम जिस हॅलो तर स्वराज एंटरप्राइजेसचे ओनर सनीशेठ तुपे साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। सनीशेठ यावं आपण स्टेजवर, आपलं स्वागत। सुनील फडके डोंगऱ्याचा पाडा ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य पूर्वा क्रिकेट क्लबचे जे पॅकर्स आहेत
यहाँ अपन अपने आम इतने मनपूर्वक सर से स्वागत करता हूँ। हाँ गड़गे सर, यहाँ से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला खास तौर से सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है, और जिनके माध्यम से यहाँ टूर्नामेंट के लिए आई गावदेवी चषक के लिए खैरवाड़ी के विद्यमान माजी सदस्य आदरणीय सुके जी चौधरी, उनके माध्यम से 1500 रुपया आया, उनका भी मैं तक दिन से शुक्र गुजारते हुए। कल राम ने कोई आदमी यहाँ पर लेकर आए थे, उन्होंने भी 2100 रुपये का इनाम दिया था। कालूराम गड़गे आप भी स्टेज के ऊपर आ जाए, आपका स्वागत है। तो नक्की सातत्याने तुम्ही पाहताय साईप्रीत लाइव यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हरेज केली जाते। तर आतापर्यंत 1000 हून अधिक दर्शक जोडले गेले होते, त्यांचे मनापासून धन्यवाद। आणि जाऊया या मॅच साठी। ए पुलची ही मोठी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल, स्वराज एंटरप्राइजेस भरुणात 11 सांगडे विरुद्ध वोडाफोन वाल, दोन बलाढ्य संघांमध्ये तुम्हाला लढत इथे पाहायला मिळेल। 24 बॉल 50 धावांची गरज, कशा धावा होतील कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नक्कीच पिंटू इथे जोडले जातील। धन्यवाद प्रवीण। अब यहाँ पर देखा जाए तो 49 रन 50 रनों का टारगेट सामने वाले टीम ने, वहाल टीम ने इस समय देखा जाए तो सांगड़े टीम के सामने रखा है। हमारे स्कोरर यहाँ पर चंदू जी पालकर बैठे हैं, लाइव के सबसे बड़े प्यारे, जिसे कहते हैं लाइव की क्लियरिटी जिनके पास है, वो यहाँ पर प्रेम वाघमारे बहुत ही बा और संदेश शड़के हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। गेंदबाज की शुरुआत, पहले गेंदबाज आरंभ गेंदबाज, बहुत ही खूबसूरत गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पहली गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गया गेंदबाज सुदेश शालुंके, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं वोडाफोन वाहल की तरफ से। जोड़ी मैदान के अंदर आशीष पाटिल और वैभव वोपी, ये जोड़ी मैदान के अंदर। फुलटास गेंद थी, कमाल की गेंदबाजी, कवर के अंदर गेंद को रोका गया, सिंगल जरूर चुराई है बल्लेबाज ने, आशीष पाटिल ने पहले खाता खोला सिंगल के साथ और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 1 रन पर। त्रियास दरम्यान सन्माननीय गणेश खंडागले साहेब मोरबे आणि त्यांच्या समवेत किरण बडेकर मालुंगी या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की या व्यासपीठावरती आपले या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। इस बार उठाकर खेला, टाइमिंग प्रॉपर अच्छा, यहां गेंद को रोकना नामुमकिन, लॉन्ग ऑन क्षेत्र से बाहर निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इस वक्त हमारे बड़े पैकर्स या जिनका नाम जिग्र से लेते हैं, गांव में कोई भी प्रोग्राम बने तो उनकी हजारी जल से लग जाती, गणेश जी खंडागले साथ किरण बड़ेकर है, कैलाश जी मात्रे, कैलाश पाटिल, ये सब मेहमानों को लेकर हमारे मंच की तरफ। बालू पाटिल आपका भी स्वागत है, और चलेंगे मैच की तरफ। 2 गेंद 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और रन संख्या बनी है केवल 5। अच्छी गेंद, फुलटास गेंद थी, प्यार से खेला, टाइमिंग प्रॉपर, सिंगल जरूर मिलेगी और सिंगल के साथ शायद यहां पर स्कोर में थोड़ा सा बदलाव, स्कोर पहुंच चुका है 6 रनों पर, 4 गेंदें फेंके हैं। आशीष पाटिल है सिंगल रन बनाकर खेल रहे, वैभव भोपी जो कि 5 रन बनाकर उसमें बल्ले से निकलता हुआ एक चौका यहां देखने को मिला है। टोटल कुल मिलाकर रन संख्या है 6 रन, 4 गेंदें फेंके गए। बहुत ही खूबसूरत गेंद, कमाल की गेंदबाजी, लगता है शॉट बैट का अंदुराई सार, और इस वक्त बल्लेबाज मैदान छोड़कर आशीष पाटिल मैदान से बाहर। थैंक्स डीजे मास्टर। आई गावदेवी ग्रामस्थ मंडल चषक मोरबे क्रिकेट संघाला इथे शुभेच्छा येतात, त्याचबरोबर वाहन क्रिकेट संघाला सुद्धा शुभेच्छा येतात। सन्माननीय उरण तालुका लॉरी चालक मालक संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष वालगावचे उद्योजक सन्माननीय बालाराम पाटील साहेब वाहले यांच्या वतीने इथे शुभेच्छा आलेले आहेत। बालाराम पाटील साहेब आपला आम्ही ग्रामस्थ मंडळ मोरबे यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो। तर याच दरम्यान सन्माननीय गणेश खंडागले साहेब मोरबे आणि युवा उद्योजक किरण बडेकर साहेब मालुंगी आपले या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। त्याच दरम्यान अष्टपैलू कैलास पाटील, कैलास मात्रे आणि बालूशेट आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। हाँ जरूर, यकीनन ये पहला ओवर मैदान के अंदर फेंका जा रहा है, पहला खिलाड़ी मैदान से बाहर, केवल 3 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर मैदान से बाहर। सुदेश ने अच्छी गेंदबाजी की है, अभी भी 5 गेंदें फेंके मैदान के अंदर, टोटल रन संख्या दिए केवल 6। अभी भी शोर की आखिरी गेंद बची, वैभव आए हैं मैदान के ऊपर, हमारे बड़े कमेंटेटर है, उनका भी स्वागत करेंगे हम। और जरूर जिक्र करूंगा जिस गेंदबाज की, सुदेश शालुंके जो आक्रामक गेंदबाजी करते हैं, आज है आखिरी दिन मेगा दिन का, मेगा फाइनल का, और शायद दर्शकों की भीड़ बहुत तेज। गेंदबाज दूर, हमसे दूर, बैट्समैन के बिल्कुल करीब, अच्छी गेंद, क्या प्रॉपर गेंद, बहुत ही खूबसूरत, जिसे यॉर्कर बिल्कुल ही सेकंड फाइट है, ये ओवर की समाप्ति, ओवर के समाप्ति के बाद टीम का रन संख्या बनी है केवल 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर।
अभी भी पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमारे विभागीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बलराम उसाटकर मैदान की तरफ दौड़ रहे हैं। आज का आखिरी दिन है, जनार्दन भगत घूमेंगे क्योंकि किसी भी तरह से मैच को हमें खत्म करना है। 2:30 के पहले इस टूर्नामेंट को खत्म करनी है। बचे भी 18 गेंदे और 43 रनों की जरूरत है। नए गेंदबाज मैदान के अंदर जरूर लाएंगे। जैसे आशीष पाटिल आउट हुए हैं और नंबर 2 के खिलाड़ी नंबर 3 के प्रणीत पाटिल मैदान के अंदर एक रन बनाकर खेल रहे हैं। बड़ी साझेदारी जमानी होगी। आने वाले 18 गेंदों में 43 रनों का टारगेट बनाना होगा। दर्शक बहुत ही कचाकच, आज कम से कम 10,000 से करीब दर्शक यहां इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। श्री पज्जू पाटिल इस टूर्नामेंट के आयोजक और शायद दोनों अंपायर राम पाटिल और जोमा पाटिल अंपायर का काम कर रहे हैं। तर याच दरम्यान पूर्वा स्पोर्ट्स डोंगरेचापाडा संघाचे पुरस्कर्ते आणि डोंगरेचापाडा ग्रामपंचायत सदस्य सुनील शेठ पडके साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांना देखील विनंती करतो आपण यावं व्यासपीठावरती आपले या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। हाँ, 18 गेंदे और 43 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज समीर नाइक मैदान की तरफ आते हुए, गेंद एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। प्रति ओवर कम से कम 14.0 के अवसर से रन बनाने होंगे। अगर इस टूर्नामेंट को जीतना है, अगर टॉप फोर में आपको पहुंचना है, तो इस वक्त आपको मैच जीतनी होगी। यह मुकाबला शुरू से मैंने कहा था संगड़ी टीम के कप्तान ने जीता था। बल्लेबाजी पहले शुरू में वडाफोन वाहल ने की थी और जैसे ही बल्लेबाजी करते हुए 49 रन ठोके और 50 रनों का टारगेट इस संगड़ी टीम के सामने रखती वाहल टीम। गेंदबाज फुल टॉस गेंद थी, सम्मान दिया प्यार से, कवर काफी हटाई गई थी बाउंड्री के नजदीक। सिंगल चुराए, दूसरी की कोशिश जरूर करेंगे और दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। सिंगल के बजे डबल, एक बहुत ही बढ़िया टारगेट के साथ चलेंगे क्योंकि ये जोड़ी मैदान के अंदर बहुत ही बलशाली जोड़ी है। एक तरफ वैभव भोपी और दूसरी तरफ प्रणीत पाटिल। वैभव खेल रहे 5 रनों पर, प्रणीत 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। टोटल रन संख्या बन चुके 9। बचे हुए 17 गेंदे, 41 रनों की जरूरत। गेंदबाज समीर नाइक गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, उठा कर खेला प्रॉपर टाइम। ऋषि नाइक गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, कैच प्रॉपर रहा और नंबर 2 का खिलाड़ी सांगड़े 11 टीम का मैदान से बाहर गुजरता हुआ। देखिए, 1,00,000 रुपए की धनराशि, गाना जब बजता है तो सबके दिल की धड़कन उठती है। गाना बजाने वाले नीति का नाम रायगढ़ थाने में फेमस है। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और मरते दम तक रहेगा क्योंकि उनकी ताकत है। डीजे की आवाज ही अलग है और आवाज के साथ सब लोग पागल हो जाते हैं, उसे कहते हैं नीटिन डीजे। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए समीर नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे पहले गेंद के ऊपर जरूर 2 रन खर्च किए थे, उसके बाद दूसरी गेंदों में जरूर विकेट प्राप्त किया है। ऋषि नाइक बाउंड्री के नजीक खड़े थे। नंबर नए बल्लेबाज सुधीर पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस बार उठाकर खेला हवा में, लेकिन गैप सीलिंग काफी मजबूत है, गेंद को रोकना नामुमकिन। गेंद जाती हुई वन बॉम सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। हाँ, इस वक्त वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 रनों पर बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया, 2 चौके दादे, टोटल रन संख्या बन चुकी है 13। बचे हुए 15 गेंदे और 37 रनों की लगभग जरूरत है। स्कोर के ऊपर हमारे यहां पर मैंने पहले कहा था कि भगवान के हाथों से गलती होगी, लेकिन हमारे चंद्रकांत पालकर के हाथों से गलती नहीं होगी। राइटिंग कितनी खूबसूरत है, हर गेंद के ऊपर हमें जानकारी देते हुए गेंदबाज समीर नाइक गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद बैट पर आई थी, अपील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां गेंद को रोकना जरूर होगा। सिंगल थी और जरूर 2 रन मुकम्मल कर दिए। बाइस का शरम पर कहता हुआ बहुत ही जबरदस्त इशारा जोमा पाटिल और राम पाटिल, दोनों बैट कट है शायद गेंद और बैट का अंदूरा हिस्सा लगा और डबल चुरा लिया और डबल के साथ टोटल रन संख्या बन चुकी है। टोटल यहां देखा जाए तो 15 रन स्कोर गार्ड के ऊपर है। समीर गेंदबाजी कर रहे हैं। समीर ने पहले गेंद के ऊपर 2 रन, उसके बाद विकेट, उसके बाद चौका और उसके बाद 2 रन। बचे भी अब 14 गेंदे और रनों की जरूरत है, 35 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी बैलेंस है क्योंकि मैदान के अंदर दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। गेंदे बचे केवल 2।
इस बार उठा कर खेला, प्रॉपर टाइमिंग, क्या सिलेक्शन मजबूत, और ये गेंद लंगान के ऊपर से निकलती है बल्लेबाज के सुधीर या वैभव भोपी के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। इस वक्त हमारे मेहमानों की कमी नहीं है, अरविंद के चाचा बैठे अंकित जी पांडव, और छक्के के साथ यहां पर रन संख्या की चेंज हो चुकी है, टोटल बचे हैं 13 गेंदे, 29 रनों की जरूरत है, 29 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 13 गेंदे। गेंदबाज समीर, अच्छी गेंद बैट का अंदूरा हिस्सा, और यहां विकेट कीपर ने गलती की है, बहुत ही खराब प्रदर्शन, अगर विकेट जाती तो कहां स्तर से दबाव ही दबाव आ जाता, दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, दो ओवर के समाप्त के बाद टोटल कुल मिलाकर रन संख्या हो चुकी है 21, बचे हुए 12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है नितिन। बचे हुए 12 गेंदे, 29 रनों की जरूरत है, जितने भी दर्शक देर से आए, ये टूर्नामेंट आज के दिनों का दूसरा मुकाबला, जीतने वाली टीम टॉप 4 में पहुंच जाएगी, ये मुकाबला सांगड़े और वडाफन वाल के बीच शुरू है, जैसे ही कप्तान ने टॉस जीता था सांगड़े टीम के कप्तान ने, और पहले फील्ड करने का फैसला किया, बल्लेबाजी करते हुए वडाफन वाल रन ठोके 49 और 50 रन का टारगेट रखते हुए, बचे हुए 12 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है, जोड़ी मैदान के अंदर आप देख रहे हैं वैभव भोपी और सुधीर पाटिल जोड़ी मैदान के अंदर, एक तरफ वैभव की बात करेंगे, दो चौके एक छक्का लगाकर मैदान के अंदर खड़े हैं, दूसरी बात करेंगे सुधीर पाटिल जिनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, और गेंदबाज नए तीसरे गेंदबाज के लिए आए प्रवीण मुंबईकर जिनकी सराहना करनी होगी, 29 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में, प्रति ओवर में आपको 14.90 के अवसर से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतना है, तो बड़ा मुकाबला सभी दर्शकों को देखने के लिए मिल रहा है, ये दोनों टीम इस इलाके से बाहर एक तरफ है सांगड़ा दूसरी तरफ है वडाफन वाल, दोनों के आसपास काफी सा अंतर है, और अंतर छोड़कर इस टूर्नामेंट के अंदर नजर डाले कि कितना बढ़िया मुकाबला, पहले शुरू से 24 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी, आप बचे 12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है, एक तरफ गेंदबाज प्रवीण मुंबईकर, नंबर 3 के गेंदबाज हमसे दूर बैट्समैन के बिल्कुल करीब, फुल टॉस गेंद प्यार से सम्मान, और यहां गेंद को खेला उठाकर लॉन्ग आर्म के ऊपर से ये उनके बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। पहले गेंद के ऊपर सुधीर ने अपना बल्ला खोला, राइट हैंडर बल्लेबाज है, और प्रवीण मुंबईकर ने गलती की थी, फुल टॉस गेंद फेंकी थी, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया सुधीर पाटिल ने, छक्का लगाया, स्कोर में बदलाव किया, स्कोर हो चुका है टोटल 27 रन, बचे हुए 11 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है, यह मुकाबला खास तौर से जितने भी दर्शक है परसा उसूल मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा, अंपायर की दाही तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रवीण मुंबईकर, और सामने करने वाला बल्लेबाज है सुधीर पाटिल, फील्डिंग बहुत ही खूबसूरत सजाई टीम के कप्तान वहां के टीम के कप्तान ने, और देखिए लॉन्गान के क्षेत्र में थोड़ी गैप छोटी गई थी और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज सुधीर पाटिल ने, ये देखिए फिर से वापस, क्या कमाल की शॉट, जैसे कदम का इस्तेमाल किया, दाएं पैर मोड़ा और उठा कर खेला गेंद बैट टू बैट उनके बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। थैंक्स सर, हॅलो हॅलो हॅलो, तर या स्पर्धेकरता वाजे गावचे आदरणीय श्री महेंद्र बालू पाटील यांच्याकडून ग्रामस्थ मंडळ चषकाकरिता 501 रुपयांचं इथे देणग्या स्वरूपामध्ये सहकार्य प्राप्त झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही ते आभार व्यक्त करतो। तो प्रवीण के दो गेंद के ऊपर दो छक्के लादने वाला सुधीर पाटिल जिन्हें मैच का पूरा नक्शा बदला हुआ, टोटल रन संख्या बन चुकी है 33 रनों पर, 10 गेंदे 17 रनों की जरूरत है, अच्छी गेंद, बहुत ही सिंगल सिंगल जरूर चुराएंगे, दूसरे की कोशिश हा ना हो रहा है, यहां गलती हो सकती है बल्लेबाज की, लेकिन अंपायर जोमा पाटिल की उंगली आसमान में, नंबर 2 का खिलाड़ी मैदान से बाहर निकलता सुधीर पाटिल। ओके मामू।
थैंक यू डीजे। इधे आता नौ चंडू आणि 16 धावांची अंपायर्स कॉल कॉल बॅट्समन रिव्ह्यू का तुमचा बॅट्समन रिव्ह्यू तर लास्ट रिव्ह्यू असेल फक्त तुम्हाला बीमर रनआउट साठी रिव्ह्यू दिला जाईल सायब्री टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून इथे हा चेक केला जाईल लगेच तुमच्यापर्यंत डिसिजन पोहोचवला जाईल तिसरे पंच सँडी पालकर आमच्या समोर जोडले गेलेत बॅट वरती होती फलंदाज बाद पूर्ण याच्या पुढे रिनो मिळणार नाही याची लक्षता फक्त एकच रिनो मिळेल प्रत्येक संघासाठी हा तो सिंगल मिली है जरूर और सिंगल के साथ टोटल रन संख्या बन चुके हैं 34 रन बचे हुए गेंद 9 और 16 रनों की जरूरत है नंबर नए बार उठा कर खेला टाइमिंग अच्छा गेंद को रोकना नामुमकिन और गेंद देखिए लंगन के ऊपर से ये बढ़िया छक्का क्या शॉट को खेल दिया है चली गई निकल गई और देकर गई अरे रोको मत ठोको ने पहले गेंद के ऊपर छक्का दादा क्या कमाल की बल्लेबाजी की है बचे हुए गेंद अब 8 और 10 रनों की जरूरत है मुकाबला एक तरफा तो जरूर नहीं होगा मैच में जान है और 8 गेंद 10 रनों की जरूरत है टोटल रन संख्या बन चुके 40 8 गेंद 10 रनों की जरूरत है जीतने 7 गेंद 10 रन आठ गेंदे ये देखिए बैट का अंदूरा हिस्सा ऊपर कवर के ऊपर से खेला टाइमिंग प्रॉपर गेंद को रोकना नामुमकिन और बढ़िया सिलेक्शन ये गेंदे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए गलती नहीं होगी हमारे स्कोरर के पास ये देखिए स्कोरर के हाथों से गलती नहीं होगी पहले शुरू में मैं पहले कहा था कि गेंदे बचे थे अभी 8 और उसके पहले 10 रन चाहिए लेकिन गेंदे बचे अभी 7 और 6 रनों की जरूरत है चौका दादा है बल्लेबाज जीवन पाटिल ने 2 गेंदों का सामना किया एक छक्का एक चौका लगाकर ये गेंद अच्छी गेंद टाइमिंग जरूर सिंगल तो जरूर चाहेंगे वहां फील्डर तैनात है गलती करते हैं दूसरी की कोशिश करेंगे या डायरेक्ट लेकिन 2 रन मुकम्मल क्या रनिंग बिटवीन द विकेट तेज है 2 रन के साथ टोटल कुल मिलाकर रन संख्या जीवन पाटिल की है टोटल बात करेंगे तो 12 रनों पर खेल रहे हैं और टीम का टोटल बना दिया है 46 रन आप जीतने के लिए 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत है तर 7 चंडू मध्ये जिंकण्यासाठी इथे सरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ सांगळे क्रिकेट संघाला 4 धावांची गरज असणार आहे आणि या स्पर्धेकरता सन्माननीय किरण बडेकर साहेब मालुंगे यांच्याकडून या स्पर्धेला गावदेवी आई गावदेवी ग्रामस्थ मंडळ चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आहे बालू पाटील वाजे 500 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आहे श्री गणेश शांताराम खंडागले यांच्याकडनं 1101 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य त्यांचं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो चंडू आणि धावांचं समीकरण 6 चंडू आणि जिंकण्यासाठी ते सोरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ खडा इथे सांगळे क्रिकेट संघाला 4 धावांची गरज असणार आहे याच्यानंतर होणारी मॅच लगेच असेल बघा वाजे वर्षी चिंचवली टॉस वाजे संघाने जिंकलाय जो डिसिजन असेल तो घेऊन आपण लगेच मैदानात उतराव आणि आपण स्टेजवर येऊन थांबा दोन्ही संघ हा प्रवीण तो बचे हुए 4 गेंदे क्या मैच था किस तरह से पहले शुरू में पहले ओवर में अपने शायद जैसे गेंदबाजी करते हुए 7 रन खर्च किए थे सुदेश चालुंके ने लेकिन समीर की गेंदबाजी के ऊपर 14 रन ठोके थे उसके बाद प्रवीण मुंबईकर काफी महंगे साबित हुए 25 रन उसके गेंदबाजी के ऊपर ठोके बल्लेबाजों ने और साथ में सुधीर पाटिल जो की 11 रनों पर और जीवन पाटिल 12 रनों पर
गेंदबाज ऋषि नाइक, क्या बल्ला, क्या प्रॉपर टाइमिंग, उठा कर खेला, इसे कहते हैं बल्लेबाजी, क्या बैट टू बैट, ये छक्के की शुरुआत। दोनों टीम का इस मैदान के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। गेंदे पांच रखकर वडाफन वाहल के ऊपर सांगड़े टीम के बल्लेबाजों ने अपनी मजल मारी और इस टीम को जीतने का मौका मिला और टॉप फोर में पहुंचने की ये बारी सांगड़े टीम को मिली। दोनों टीम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रेक लेकर चलते हैं हमारे महागुरु गड़गे सर के पास। थैंक्स पिंटू मात्रे।